हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्वरक्ष कला। मेरा नाम अंकित शर्मा है और मेरे साथ है मिस्टर सौरभ सिंह सेगर। तो आज हम दिल्ली की एक क्लास में जाने वाले हैं जहां पे शूट करेंगे कि इस क्लास में ट्रेनिंग शेड्यूल किस तरीके से चल रहा है और ये क्या क्या सिखा रहे हैं। साथ ही हम अपना एंड में एक रिव्यू देंगे कि आपको क्लास ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है। तो चलते हैं क्लास की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्लास का ओवरव्यू देखेंगे। क्लास के अंदर आ चुके हैं और यहाँ आप देखिए ट्रेनिंग अभी स्टार्ट है और जो इनका डेली का शेड्यूल रहता है वो फर्स्ट बीजेजे का क्लास रहता है इवनिंग में। मॉर्निंग का सेशन मैंने अभी नहीं देखा है, ये शायद कोच हैं यहाँ पे जो बता रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। और ये बीजेजे की ट्रेनिंग चल रहा है, बीजेजे यानी ब्राजीलियन जिउ जित्सु। ठीक है, ये बेसिकली ग्राउंड फाइटिंग के लिए जाना जाता है। इसमें ग्राउंड फाइटिंग, चोक, लॉक्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये दोनों बंदे मुझे लग रहा है एमएमए की ट्रेनिंग कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से ये ग्रैपलिंग कर रहे हैं ये एमएमए का ही एक पार्ट है। देखते हैं, शायद ये चोक करेगा इसको। ओके, चोक की तरफ जा रहा है और डबल हैंड का यूज, डबल हैंड दूसरे हैंड का यूज कर, एंड बहुत बढ़िया सेकेंड हैंड लगाया। एंड अब तो टैप करना ही पड़ेगा और ये टैप कर दिया भाई ने, कोई बात नहीं। चलो कोचेस की तरफ चलते हैं दोबारा से। आप देखिए यार, ट्रेनिंग का जो सेशन चल रहा है इनका, उसमें सारे के बड़े बंदे ही हैं सब। ठीक है, कोई भी बच्चे नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, सारे हैवी वेट बंदे हैं जो भी हैं। और गर्ल्स ट्रेनिंग भी यहाँ पे चल रही है, तो गर्ल्स के लिए मुझे लगता है ये प्लेस सेफ है ट्रेनिंग के लिए क्योंकि इनके पास फीमेल इंस्ट्रक्टर भी अवेलेबल है। बाकी हम बीजेजे के बाद और भी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि बॉक्सिंग हुआ और एमएमए की कुछ स्पारिंग भी यहाँ देखेंगे। फिलहाल हम क्लास का एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि क्लास में किस तरीके से सेटअप लगाया हुआ है, इनके पास मैटिंग कैसा है, इनके पास ट्रेनर कैसे हैं और इनकी जो ट्रेनिंग है वो कितनी हद तक अच्छी है। तो ट्रेनिंग जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी है क्योंकि आप कोचेस काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ट्रेनिंग देने। You still get the triangle. This, the partner sees this, the partner starts to rise up. Then, you start going up. Potentially, if my partner is up there, and they see me come up, they have to come down, back down. They have to push me back down. As they push me back down, you open up the space out there. You start using the clamp. Again, same thing. आगे चलिए, थोड़ा स्पारिंग की तरफ भी चलते हैं, देखते हैं कि स्पारिंग में क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। ये फिर से भाई दो लोग लगे हुए हैं स्पारिंग करने के लिए और कोई लॉक में ले पाता है या नहीं देखते हैं। शायद ये स्पारिंग नहीं हो पाएगी, गलत मूव लग गया है और इससे आगे अब नहीं होगा, हटना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ये दो बंदों को देखते हैं हम। एक ब्लैक है एंड ग्रे, दोनों ही काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से फाइट कर रहे हैं और ग्रे काफ़ी हैवी पड़ रहा है। ओके, ब्लैक ने फिर से लिया है। दोनों में से कौन जीतेगा ये तो पता नहीं है फिलहाल, ये हार जीत का मामला नहीं है। ये है कि टैप कौन किसको कराता है और ट्रेनिंग किस तरीके से किसने की है। ठीक है, मुझे लगता है कि ब्लैक जीतेगा और अगर आपको लग रहा है कि ग्रे जीतेगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एक बार कि इनमें से दोनों में से कौन विनर होने वाला है। मुझे ब्लैक का लग रहा है, लेकिन ग्रे वाला भी लॉक में अच्छी तरीके से ले रहा है उसको, बट देखते हैं फिर भी। ओ माय गॉड, तुम से टर्न ले लिया यार, गजब बिकट, बहुत बढ़िया तरीके से दोनों लगे हुए। अभी तो भाई ब्लैक पे हैवी हो गया है ग्रे, लेकिन फिर भी अभी तक ब्लैक ने हारी नहीं मानी है, उसको बाकायदा पुश कर रहा है एंड अपने वाइटल पॉइंट्स को बचा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा एल्बो रखने की कोशिश कर रहा है थ्रॉट पे, बट उसको अच्छे से डिफेंड कर रहा है भाई वो, लेकिन देखते हैं कब तक रुक पाता है। हालांकि मेरा ब्लैक वाला ही है वो कि वही जीतेगा, बट गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। ये लो, दोबारा से कम बैक किया है, बहुत अच्छे एंड कम बैक के साथ बहुत बढ़िया हैंड को कवर किया एंड वो ग्रे वाला भी कम नहीं है।
ये बंदा भाई, ये तो बिल्कुल टक्कर का मैच हो गया दोनों के बीच, कौन निकलेगा पता नहीं। ओ माय गॉड, ओ नो, जीत गया भाई, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, यार बहुत बढ़िया, ग्रेट गया। एंड यहाँ पे देखेंगे आप, बॉक्सिंग की ड्रिल स्टार्ट हो गई है, मतलब ये वार्म अप चल रहा है अभी बॉक्सिंग का, तो कोचेस आ गए हैं और वार्म अप करा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ फिलहाल तो खड़े होकर। एंड यहाँ पे देखिए भाई, ट्रेनर भी काफ़ी वर्कआउट करते हैं, ऐसा नहीं है कि अदर कोचेस की तरह सिर्फ आए और इंस्ट्रक्शन दिए एंड उसके बाद बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ट्रेनर काफ़ी वर्कआउट कर रहे हैं और ये वार्म अप चल रहा है हल्का फुल्का स्पारिंग का। साथ ही यहाँ पे इनके पास ग्लव्स, गार्ड्स वगैरह सब कुछ हैं, तो इंजरी का इतना ज़्यादा चांसेस नहीं रहेगा। सबसे अच्छा और दूसरा बात क्या है ना कि क्लास का जो एरिया है काफ़ी बड़ा है, यानी कि आप एक साइड बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करवा सकते हैं एंड एक साइड आप बीजेजे और किक बॉक्सिंग, मुअर थाई ये सब भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीजेजे और एमएमए इन दोनों आर्ट्स पे ज़्यादा वर्क किया जा रहा है, क्योंकि अभी एमएमए का इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रेज आ गया है। और साथ ही इनकी क्लास से दो बंदे गए हैं यूएफसी के लिए, जो कि अभी आबू धाबी में मैच चल रहा है खेलने के लिए, इसलिए यहाँ पे अभी क्राउड थोड़ा कम है। और यहाँ पे जो मैन कोच है यानी हेड ऑफ द कोच, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है। अब हम बात करें क्लास की फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो क्लास की जो फ़ीस है वो 2000 से लेके 6000 पर मंथ फ़ीस है। इसमें आप जो पैकेज लेंगे उस हिसाब से फ़ीस का स्ट्रक्चर रहेगा। और अगर हम बात करें क्लास के एड्रेस के बारे में, तो हमने उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, जब आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जाएंगे तो वहां आपको इसका एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप लोग फीस में डिस्काउंट चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको डिस्काउंट दिलवाऊंगा। और ये है इनकी ट्रॉफीज एंड मेडल्स जो इंडिया के अलग अलग स्टेट से जीते हुए हैं। तो चलिए चलता हूँ मैं अपने पर्सनल रिव्यू की तरफ। ओके गाइस, बाकी मुझे क्लास में थोड़ा सा एक कमी यही लगी है कि यहाँ पे जैसे कि वेपन डिसआर्मिंग, नाइफ सर्वाइवल, ये सारे डिफेंस की चीज़ें नहीं है, यानी कि यहाँ पे आप सेल्फ डिफेंस उस तरीके से नहीं सीख पाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप एमएमए की प्रिपरेशन करते हो तो सेल्फ डिफेंस लगभग उसके अंदर आ जाता है। फाइनली हम यही कहना चाहेंगे कि क्लास का जो एनवायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है और यहाँ पे सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। एमएमए, किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग एंड सबसे अच्छा बीजेजे, क्योंकि दिल्ली के अंदर मुझे इससे अच्छा और क्लास में नहीं दिखा है। बाकी आप देखेंगे कि हम नेक्स्ट वीडियो जो अपना डालेंगे वो किसी अदर सिटी में होगा और किसी अच्छी क्लास का ही व्यू देंगे। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे चैनल पे। गुड बाय, टेक केयर।